दर्शकों, एक बार फिर से आपका एस्ट्रोडे में स्वागत है। तो आज हम आए हैं वार्ड नंबर 8 में, जहां से आजाद उम्मीदवार के प्रत्याशी खड़े हैं, सुशील कुमार सोनी जी। तो आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से उनका प्रचार प्रसार जो है वो चला हुआ है, और लोगों का किस तरह से सहयोग है उनके प्रति, और जो है इनको क्या पार्टी का जो इनको जो है क्या सिंबल दिया गया है। नमस्कार सर, एस्ट्रोडे में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, आपको जो है लोगों का कैसा सहयोग मिल रहा है, जैसे आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो आपको कैसा सहयोग मिल रहा है लोगों का? मेरा नाम सुशील कुमार सोनी है। मैं वार्ड नंबर 8 से आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा चुनाव चिन्ह रेल का इंजन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं लगभग पिछले 35 वर्षों से वार्ड नंबर 8 में रहकर लोगों की सेवाएं कर रहा हूं। मेरा जो अपना व्यापारिक स्थान है वो वार्ड नंबर 8 के मध्य में स्थित है, और हम सुबह 8 बजे यहाँ पे आते हैं और रात 9 बजे तक यहाँ रहते हैं, और रात को भी कभी कभी यहीं पे रहते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं समाज सेवा में पिछले लगभग 35 वर्षों जुड़ा हूँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पिछले 35 वर्षों से हम पार्टी से जुड़े हैं। मैं 3 बार भारतीय जनता पार्टी का जिला व्यापार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष रहा हूँ, और 1 बार शहरी इकाई का अध्यक्ष रहा हूँ। इसके अतिरिक्त मैं शहरी इकाई का महामंत्री भी रहा हूँ। इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के किसी पार्टी सिंबल के ऊपर नहीं हो रहे हैं, तो इसमें सब लोग खड़े हो रहे हैं। और जहाँ तक आपने पूछा कि आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी हम जा रहे हैं लोग बड़े खुश हो रहे हैं, और उन्हें ये लग रहा है कि सुशील कुमार सोनी जो हैं, जो जिन्हें हम भलीभांति उनको जानते हैं और उनको वार्ड के मध्य में जब मर्जी अप्रोच कर सकते हैं। और मैं मेरा एक ही उद्देश्य है कि वार्ड नंबर 8 का जो सर्वांगीण विकास है वो मैंने करवाना है, चाहे वो सीवरेज की समस्या हो, चाहे वो रास्तों की समस्या हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की समस्या हो। इसके अतिरिक्त सभी लोगों के लिए बैठने के लिए पार्कों की व्यवस्था हो, जिम की व्यवस्था हो, वो सभी मैंने करवानी है। और जो भी मेरे हक में, जो एक वार्ड पार्षद के हक में जो काम होते हैं, वो हमने जो भी पूरे वार्ड में करवाने हैं, तो हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। ओके सर, तो आप जैसे लोगों के बीच में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो लोग जो हैं क्या क्या समस्याएं जो हैं आपके समक्ष उठा रहे हैं अभी? लोगों की विभिन्न विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। किसी कोई बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे घर में सीवरेज नहीं है, सीवरेज का कनेक्शन नहीं है। जहाँ तक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है उनको भी इसके बारे में दिक्कत आ रही है, तो हमने लोगों को आश्वासन दिलाया कि हम जब आप हमें नगर परिषद में भेजेंगे तो आपकी जो समस्याएं हैं उनका उचित समाधान किया जाएगा। और किसी को कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ जो रास्ते हैं वो थोड़े खराब हो चुके हैं, तो रास्तों की समस्या का भी समाधान करवाना है, और जो भी काम है वो हमने करवाने हैं। इसके अतिरिक्त बाकी जो भी एक वार्ड नंबर 8 है उसको आदर्श बनाना, मेरा सुशील कुमार का सोनी का बस एक ही सपना, आदर्श वार्ड नंबर 8 हो अपना। इस धारा के ऊपर मैं चला हूँ, और 24 घंटे जो लोगों की समस्याएं हैं, पर्सनल की समस्याएं हैं, जो मेरे पास आ सकते हैं, और उनका निदान करना मेरी प्राथमिकता होगी। और एक बार आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे वार्ड नंबर 8 से सुशील कुमार सोनी जी, जिन्होंने बताया कि जो लोगों का जो है प्रचार प्रसार के दौरान बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है, लोग बहुत ही खुश हो रहे हैं, और जो भी उनकी समस्याएं वो हैं वो उनको बता रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो है इनकी समस्याओं को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का इन्होंने वायदा किया है, प्राथमिकता के साथ इन्हें पूरा करेंगे। तो ये थे सुशील कुमार सोनी जी वार्ड नंबर 8 से।